आज तो बहुत स्पेशल दिन है, आज लून आज चाइनीज़ नया साल है ना, जैसे टाइगर होता है ना उसका नया साल है। चाइना में एक किसी न किसी जानवर को हर साल के लिए, दीदी डबल बुल हैं, तो दीदी बता रही मेरी राशि क्या है और इस प्रकार से। तो मैं जानना, एक कहानी से शुरुआत करना चाहूँगी। आपने ज़रूर सुनी होगी कहानी, ये है जैसे एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ पे एक भाई गया तो पहले वर्कर से पूछा, उसने आप क्या कर रहे हो, तो इस वर्कर ने कहा बस क्या, मैं पैसे अपने कमाई करने आता हूँ, बस पैसे मिलते हैं चला जाता हूँ घर। दूसरे से कहा भाई आप क्या कर रहे हो, तो दूसरे ने कहा ये अच्छा एक अवसर है, मेरी जो स्किल है उसको दिखाने का, तो भाई मैं अच्छी तरह ईंटे साथ साथ रख रहा हूँ, अच्छा कुछ मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो ये कर रहा हूँ। और फिर तीसरे से कहा, तीसरे भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं तो एक मंदिर बना रहा हूँ, एक चर्च बना रहा हूँ, जो कुछ
एक जैसे एक इस तरह से एक अच्छी चीज़ बना रहा हूँ और बहुत लोग आएंगे और भगवान से मिलने यहाँ पे आएंगे, भगवान से लोग बात करने आएंगे यहाँ पे। तो ये कहानी जो है ये बता, जब 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 सब कुछ प्यार से जब कोई कुछ करता है, सिर्फ ऐसे मेहनत नहीं, लेकिन वो भावना से जब कोई करता है, जो फीलिंग्स जो उसमें डालता है, तो उसकी उसका असल में महत्व है। तो वही तो सेवा है ना सिस्टर जयंती, वही तो सेवा है ना। कितने प्यार से जब आप करते हो तो प्यार उसमें डालते हो तो फिर मेहनत नहीं लगती है ना। तो दीदी बहुत प्यारी मुरली है, कल की मुरली हम रिवाइज़ करेंगे, 31 जनवरी की मुरली। ये कमेंट बहुत बार आती है कि हम प्लीज़ जो भी हम जो चैट बॉक्स में जो मैसेज लिखते हैं उसको प्लीज़ थोड़ा कम से कम करेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन की जो समस्याएं हैं अब ज़रूरी हैं, आप सब प्लीज़ वही बातें लिखें, लेकिन कम से कम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लिखें, बार बार में कुछ कुछ ना लिखें, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग और ये सब ओम शांति। चलिए सिस्टर जयंती से सुनते हैं वो क्या कहती हैं। थैंक यू अरुणा बहन, ओम शांति। चाइनीज़ न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वो बैकग्राउंड है तो भाई आपको कुछ तो है, आप लोगों में से जो उस बैकग्राउंड से, तो बहुत लंदन में आज बहुत अच्छी गैदरिंग थी, सेलिब्रेशन किया हमने। जो हमें एक भाई जो आए थे उन्होंने कहा क्या आप सभी सेलिब्रेट करते हैं सभी त्योहारों को, हमने कहा हाँ हम तो करते हैं, अच्छा लगता है ना, नया साल नई शुरुआत करना हमें अच्छा लगता है। ब्राह्मण फैमिली जो है इस समय है अपने साथ होने का, पूरे साल में हम साथ साथ रहते हैं और नए नए त्यौहार मनाते हैं। आज बाबा हमें याद दिलवाया ना बाबा ने, बेफिक्र बादशाह, कितना प्यारी कहावत है, जैसे बेफिक्र बादशाह, कितना प्यारी बात है। एक तरफ बाबा कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी हो, दूसरी तरफ क्या कहते हैं आप बिल्कुल स्वराज्य अधिकारी हो और बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा वही सिचुएशन देख रहे थे, बेफिक्र बादशाह। वैसे तुम कहते हैं कि भाई जो बादशाह है उसको तो कितनी सारी समस्याएं होती हैं, वरीज होती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप बादशाह भी हो लेकिन बेफिक्र भी हो। और बाबा हमसे पूछ रहे थे जो बेफिक्र बादशाह होते हैं उसकी निशानियां क्या होती है, और बाबा ने कहा उनका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा, खुश रहेगा, एक डिवाइन लाइट होगी उनके चेहरे पे, बाबा ने कहा ना उनके मस्तक पे, और उनका जीवन आसान होगा और वो बहुत बेफिक्र बादशाही होगी। अगर आपको स्मृति नहीं है, बाबा ने दो शब्द यूज़ किए, फिक्र और फकुर, फिक्र और फकुर। अगर आप में वो फकुर नहीं है ना कि बाबा ने जो आपको बनाया है, तो फिर भाई क्या होगा, आप चिंता की जैसे एक टोकरी, चिंता की टोकरी आप खुद के ऊपर लेके घूमोगे। तो बाबा कह रहे हैं वो टोकरी दे दो और ताज ले लो और चमको बस। और संगम यू क्या है, जो कुछ भी आप अभी करते हो, जो आपका भविष्य के लिए वो आप एक फाउंडेशन लगा रहे हो। तो यही बात जो है आपके फ्यूचर भविष्य में चलेगी। फिर बाबा ने कहा कि कैसे हर सेकंड संगम युग का जो है वो कितना कीमती है, क्योंकि इससे आपका 21 जन्मों का भाग्य बनता है। तो कनेक्शन आधे आधे जैसे युग का है, आधे सॉरी चक्र का, सृष्टि चक्र के आधे हिस्से के लिए बाबा ने बात की ना 21 जन्म। तो बाबा ने पूछा तो क्या आप सभी फिक्र से फारिग हो सकते हो, और क्या सिर्फ क्या बेफिक्र बन सकते हो। और बाबा ने कहा बस एक शब्द का अंतर है, और हिंदी में कितना अच्छा है, मेरा और तेरा, बस मेरा और तेरा, बस मैं और तय का अंतर है ना, बस उसको चेंज कर दो और कुछ ज़रूरत नहीं है। जब आप सोचते हो मेरा है ठीक है, सोचते रहो कि मेरा है, लेकिन जब आप कहते हो बाबा ये आपका है सब कुछ,
मुझे ये कुछ भी बोझ अभी उठा के नहीं चलना, तो बाबा जिम्मेवारी ले लेते हैं और बस सब ठीक कर देते हैं। लेकिन मुझे अंदर, मुझे अपने मन में बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, स्पष्ट रहना पड़ेगा, सच में बिल्कुल बस छोड़ देना उसको कि बाबा आप देखो इसको, और मेरी स्मृति को ऊँचा रखना है, प्यार बाबा के प्यार की स्मृति में रहना है। नहीं तो हर चीज़ फिर मेहनत लगती है। बाबा के प्यार में, देखो स्टोरी में सुना, काम तो सभी एक ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से सब कुछ बदल जाता है। और फिर बाबा हमें ये भी कह रहे हैं, सारी चिंताओं का सबसे रूट कॉज क्या है, सबसे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प ही वो सबसे बड़ा कारण है। कब क्या ये वो सारे सवाल जब आने शुरू हो जाते हैं ना, तो एंजाइटी और दुख और चिंता का जैसे द्वार खोल देते हैं। हमें उसे कुछ भी नहीं रखना है। कुछ बच्चे कहते हैं बाबा बस बाबा हो जाता है ना, क्या करें। बाबा कहते हैं इस, क्योंकि आपका मन है ना, तो आपके मन को आप सही ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसको बिज़ी रखो, अपने मन को बाबा के प्यार के अनुभव में बिज़ी रखो, बाबा की मुरली के बारे में सोचो, चिंतन करो, मनन करो, आत्मा को जो बाबा ने कही है सारे ड्रिल्स उनका प्रैक्टिस करो। चाहे ड्रिल जैसे वो होते तीन ब्राह्मण ए फरिश्ता देवता, इसका इस रूप इन रूपों का अभ्यास करो, बस बॉडीलेस बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, अपने आप को बिजी रखो, अभ्यास करो, प्रयोग करो, इन सभी का अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करो। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, मन जो है हल्का रहेगा और मेरी जो वृत्ति है हर एक चीज़ के प्रति वो भी बदल जाएगी। अगर मेरा मन बहुत भारी है तो कैसी वृत्ति होगी मेरी। तो बस तो सारा जो बोझ है ना उसको हल्का करना है, मेरे मन को हल्का कर देना है और बाबा के प्यार में डूबना है। तो यही तो इस ब्राह्मण जीवन की सुंदरता है ना। तो बस ये प्रैक्टिस करो, जो बाबा ने कही है, जो बाबा ने सिखाई है, उनका अभ्यास करो। तो मन इतना बिजी होगा इन सब बातों में तो ये व्यर्थ के लिए समय नहीं बचेगा। एक सेकंड भी संगम युग का वेस्ट मत जाने दो, बस याद करते रहो मेरा जो है वो तेरा हो गया है, बस कोई बोझ नहीं, कोई दुख नहीं। और फिर बाबा ये भी कह रहे थे, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो भाई जो वो कहते हैं उसको सुनते हैं ना हम। अगर आप कहोगे बाबा का आपसे बहुत प्यार है, फिर बाबा ने देखो सबके हाथ उठवाए, बाबा 7 बजे आते थे और बाबा ये 2012 की मुरली है, बाबा कह रहे थे ना उस समय, अगर बाबा को प्यार करते हो तो फिर तो भाई जो बाबा कह रहे हैं वो कैसे आप नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो जो वो कहते हैं उसको मानते हो ना आप। तो बाबा हम सबसे पूछते रहे कल, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, बार बार में बार बार में। और फिर जैसे बाबा बात कर रहे थे हम सभी से, तो मुरली तो देखो 10:30 तक चलती थी 3 घंटे, और अभी तो क्या है सब कुछ अभी वो चीज़ें करके छोटी हो जाती है आजकल। लेकिन बाबा हमारा जैसे एक रमणीकता से हमारे साथ मिलते थे ना, उठ जाओ बैठ जाओ हाथ खड़े करो, तो वो बहुत प्यारे अनुभव थे। तो अब बाबा कह रहे हैं अपने हाथ उठाओ, जिनको बाबा से प्यार है हाथ उठाओ, और सबने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें क्या करना है, पहले प्रॉमिस करो तुम करोगे ना जो मैं कहूँ। तो बाबा के ऊपर तो सबको फेथ है ना, तो सबने कहा हाँ बाबा। तो क्या आप अपना व्यर्थ संकल्प अभी देने के लिए तैयार हो बाबा को। और ये मुरली सीजन के एंड की मुरली थी ना, कल अप्रैल की मुरली थी। तो फिर बाबा 6 महीने बाद आने वाले थे,
अक्टूबर में, तो बाबा ने कहा कि इस 6 महीना जो है क्या करोगे तुम, 5-6 महीने है ना तुम्हारे पास, तो क्या करोगे? तो होमवर्क बाबा ने दिया कि आपको जो भी व्यर्थ संकल्प हैं पूरी तरह से उसको समाप्त करना है, जो नेक्स्ट सीजन के आते आते किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। बाबा सच सच में हम सभी को पुश किया कि आप सबको ये वादा करना ही है। सबने कुछ ने किया होगा, कुछ ने अनुभव किया होगा, उसका फ्रूट भी अनुभव किया होगा। कुछ 1-2 महीने के बाद शायद थोड़ा सा संकल्प ढीला पड़ गया होगा, लेकिन आज हम देखो, आज फिर भी हम रिवाइज़ कर रहे हैं। समय देखो कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, और हम देख रहे हैं संसार की हालतें आज। बाबा ने उसके बारे में भी कहा था ना, कुछ बच्चे कहते बाबा बाबा तो ये अचानक कब से कह रहे हैं बाबा, कितने समय से कुछ तो हो नहीं रहा। और बाबा कह रहे हैं हाँ अचानक ही होगा, लेकिन आपके पास वो शुभ अवसर है अपने आप को तैयार करने का। तो आपको पता है कि तैयारी करने का समय है, तो वो स्थिति अभी तैयार करो ना, अपने मन की अवस्था भी तैयार करो, तो पुरुषार्थ अभी करो जो सच में जो मेरा तेरा बन जाए बाबा के प्यार में, क्योंकि बाबा के साथ आपको रहना पसंद है, आपको फरिश्ता बनना है, ब्रह्मा बाबा के साथ जाना है, आपको घर जाना है बाप दादा के साथ। सच बात है ना, ये तो जाना है, इसलिए तो आप यहाँ पे हो, बाबा आए हैं हमें साथ ले जाने, तो इसीलिए तो पीछे थोड़ी छूटने हमें बाबा से, बाबा के प्यार में, और वो शुद्ध इच्छा है बाबा के साथ रहने की, तो वो पुरुषार्थ करो अभी। तो फिर ना केवल हम समय घर जाने का है, लेकिन समय नई दुनिया में आने का भी तो समय है फिर ब्रह्मा बाबा के साथ, तो इसीलिए वो भी तो आप चाहते हो, तो हमेशा ही ब्रह्मा बाबा के साथ आप रहना चाहते हो, तो पुरुषार्थ करो ना, ताकि उनके साथ आ सको नई राजधानी में। और जो फरिश्ते उनके हाथ तो होते नहीं, तो बाबा का हाथ आप कैसे पकड़ोगे? तो श्रीमत का जो हाथ है वो पकड़ना है हमें, और ये श्रीमत जो है, इस श्रीमत जो इस मुरली में जो श्रीमत है, खास वेरी बहुत स्पेसिफिक बहुत विशेष श्रीमत है यहाँ पे, कि तो इसमें बाबा कह रहे हैं ना कि स्वराज पाओ, सारी जो भी मेरी चिंताएं वो सरेंडर कर देना। 2 शब्द में बाबा ने कह दिया, ये मैं चाहूँगा तुमसे, बस आपको बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा ने ये भी बहुत अच्छी तरह से कहा, क्या बात है, जो बाबा कब से अंडरलाइन कर रहे थे पूरे सीज़न में, तो सीज़न में ज़रूर बाबा ने कही होगी ये बात। बाबा कह रहे हैं कि आपके पास 2 बहुत ऐसे खास खजाने हैं, संकल्प और समय का। कल कहा ना बाबा ने, संकल्प और समय, जो आपके समय संकल्प जो निकल गए या समय जो चला गया आपके हाथ से, अब फिर से वापस नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए तो इन 2 खजानों को यूज़ करो, बहुत अच्छी तरह से उसको समझदारी से यूज़ करो, क्योंकि हर पल हर संकल्प का ध्यान रखो, यही समय है अपना भाग्य बनाने का, 2500 साल के लिए 21 जन्म का भाग्य बनाने का समय है। तो बाबा बहुत अब इस पर जोर दे रहे हैं। फिर बाबा ने बहुत अच्छी तरह एक बात कही कि अब तक कि ब्रह्मा कुमारी का ही नाम तो बहुत रोशन हुआ है, कि सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का काम तो बहुत अच्छा है, ये है, बहुत अच्छी बड़ाई करते हैं, लेकिन भगवान का नाम रोशन कब करोगे आप? उनको पता चलना चाहिए कि जो इनको इतना अच्छा बनाया है, आपको भगवान ने तो आपको इतना अच्छा बनाया है, तो आपका जो चेहरा है, आपके शब्द, आपके व्यवहार, आपका संबंध संपर्क हर एक के साथ, तो सबको वो मैसेज दे,
जो आप कर रहे थे, अब भगवान ने आपको करने का जो प्रेरणा दी थी उससे आप ऐसे बने हो, ताकि भगवान की तरफ सबका ध्यान जाए कि आपके जो फरिश्ता रूप के प्रत्यक्षता से भगवान प्रत्यक्ष हो। बाबा ने जीत की बात भी कि सब बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा सफल हो, जीत जाए। बाबा को हर एक बच्चा पसंद है, क्योंकि हर बच्चा जो बाबा कहना, जो बाबा ने जो किस हर बच्चे ने जिसने बाबा कहा है, हर बच्चा जो जो आत्मा जो बाबा शिव बाबा को जिसने पहचाना है, चाहे शिव बाबा इतने गुप्त रूप में आए हुए हैं, साकार बाबा के दिनों में आत्माएं देख पाती थी, अपने मन से समझ पाती थी कि देखो अव्यक्त बाप दादा, फिर से आपने देखा कैसे एक इंसान ही है सामने। और अब बाबा बाबा बाप दादा हम कहते थे उसको, लेकिन देखो किसने पहचाना, कुछ लोगों ने ही पहचाना, फिर भी हमने पहचाना, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त बाप दादा को पहचाना दादी जानकी के द्वारा। तो कुछ ही तो हैं जिन्होंने पहचाना, जैसे इस पर्दे के पीछे जो भगवान है, वो तो ये पहचान जो है, समझ है, बाबा जो कह रहे हैं कि ये भी एक जीत है, बाबा उसका रिटर्न मिलेगा। ऐसा मत कहो ये बाबा को बहानेबाजी मत दो, 108 ही होंगे। अगर आप जीत जाएंगे, अगर आप माया से जीतेंगे, तो और भी बाबा बढ़ाते जाएंगे माला को। 108 तो हैं, लेकिन मेन में क्या 108 हैं। बाबा ने कहा और भी मैं उसमें माला में और भी बीट्स बाबा ने कहा मैं ऐड कर दूंगा दाने, तो सभी हो जाओ, जीत जाओ, तो बाबा तो वो करने के लिए तैयार हैं। बाबा तो बहुत हमें जैसे समाने के लिए तैयार हैं हमारी बातों को। बाबा तो हमें बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, करो करो, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद को तैयार करो, आप उस अवस्था तक पहुंचो बेफिक्र बादशाही की। तो पूरी अलग अलग तरीके से बाबा हमें उत्साह दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए बाबा बात कर रहे हैं, जो आपको जो 5-6 महीने जो आपको कार्य करना है, कि आपको आपका मन इतना शक्तिशाली है कि इसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, और फिर आप अपने मन को भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर सकते हो, और फिर सभी को शांति प्रेम आनंद दे सकेंगे, उन आत्माओं को दे सकेंगे, नहीं तो आत्माओं को नहीं दे पाएंगे। आपने मैसेज तो दिया, लेकिन अब आपको ये वाइब्रेशंस आप उनको देना है। पहले मैसेज दे दिया, लेकिन अभी क्या है, वो वाइब्रेशंस दो, समय अब है। मैं तो देख रही हूँ कि समय बहुत कम बचा है अभी। रतन मोहिनी की हालत हमने देखा, दादी की एक दादी बची है, और देखो उनकी हालत, उनकी जो हेल्थ है कैसी है। एक दूसरा ही एक पहचान है समय की, बाबा कह रहे हैं बिल्कुल उस कोने पे पहुंच गए, अभी हम एक कदम दूर है, वो बस घर जाने का समय आ चुका है। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं अब सीज़न है जो सभी के साथ वो वाइब्रेशंस शेयर करने का समय है। और बाबा ने टीचर से बात की, बाबा टीचर से बात करना बाबा को बहुत पसंद है, तो बाबा की गद्दी मिली है टीचर्स को मुरली पढ़ने के लिए। और बाबा कह रहे हैं आपके फीचर्स क्या दिखाएं, आपके फीचर्स आप भगवान के बच्चे ही दिखाई दे, तो क्या वो नशा रहता है आपको, तो क्या बाबा को आप अपने चेहरे से, अपने शब्दों से, अपने हर एक शब्द से, अपने अनुभवों से, अपने मन में क्या भगवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो, कि आपके द्वारा भगवान को आप कार्य करने के लिए जैसे अलाउ करते हो, निमित्त बनते हो। पर बाबा मधुबन निवासियों से बात की, सबको थैंक्स किया, क्योंकि पूरे सीज़न उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की। अक्टूबर में सीज़न शुरू हुआ और अभी अप्रैल है,
तो भाई बहुत लंबा समय होता है ना। और आपने देखा है मधुबन निवासी कितना मेहनत करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे खाना बांट रहे हो, लेकिन आपका भाग्य है तो इस सेवा को कर पाने का यज्ञ में आपका भाग्य है, इतने बेहद यज्ञ में। क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो प्रेम से, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है प्रेम और शांति का। वो खुशी आपके चेहरे से प्रतिबिंबित होती है, दिखती है। तो आपकी स्मृति में रखो वो कि हम मधुबन में सेवा करने के भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो जो भी आता है वो, तो वो भी अपने साथ इस प्यारे से मधुबन के एटमॉस्फेयर का, इस वातावरण की स्मृति अपने साथ लेके जाए और बाबा के करीब आ जाए। तो बाबा डबल फॉरनर से बात की बाबा ने, और बाबा ने, बाबा कहते थे हमेशा फॉरनर्स तो हमेशा पहुंच जाते हैं, हर सीज़न में पहुंच जाते हैं। क्योंकि दादी कुमार का हमेशा बोलती थी, हमेशा मैं कहती थी आ जाओ आ जाओ। जो भी टर्न मिलती थी पहुंच जाते थे सभी। तो दादी हमेशा हमें प्रोत्साहित करती थी, आ जाओ आ जाओ। तो लोग अपना डबल फॉरनर्स देख पाते थे, अपनी छुट्टियां, अपना मौसम, जो उनको सूट करता था वो आ जाते थे। तो हमेशा ही डबल फॉरनर्स का ग्रुप होता था। बाबा ने बहुत बड़ा होमवर्क दिया, ठीक है आपको डबल फॉरनर्स कहाँ है, तो क्या आप डबल एफर्ट भी कर रहे हो, तो क्या डबल कि आप उस अव्यक्त और कर्मातीत बनने का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने का क्या फास्ट एफर्ट कर रहे हो आप। तीव्र पुरुषा दिल्ली आगरा से बाबा ने बात की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही कि दिल्ली वालों को कहा ना, बहुत बड़ा दिल रखो अपना, ये सारी आत्माएं जो भी ब्राह्मण बने हैं ना, तो आपके पास ही आने वाले हैं दिल्ली में। अगर ब्रह्मा बाबा जो है कृष्णा का रूप धरा, तो भी वो आपके पास ही आएंगे। तो जमुना के किनारे तो पहुंचेंगे ना। तो बाबा सबको जैसे बोल रहे थे कि सबको सेवा करो, मिनिस्ट्रीज को सेवा की ना, ये यज्ञ ने कहा ना, जो कि जो अभी वो धीरे धीरे वो लोग कहने लगेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो थीम जो है ना, फिर बाबा ने बात की बेफिक्र बादशाह की, बस क्या करना है, सिर्फ मेरा को तेरा करना है, बस मेरा आपका बन जाए। और यही सच्चाई है, हम क्या क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस अपनी स्किन तो थी, अपनी ये खाल जो शरीर है यही तो था अपने पास, और तो कुछ नहीं था। लेकिन इस पल हर चीज़ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा आप, बाबा इसका ध्यान रखो आप, और मैं जानती हूँ ये अटेंशन ना, कि भाई एक जिम्मेवारी संभालना, लेकिन सरेंडर भी हो जाना, लेकिन चिंता नहीं करना, चिंता बाबा को दे दो आप। बहुत इंटॉक्स, बहुत नशे वाली मुरली है, बस बेफिक्र बादशाह बनने की, अपना चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, बाबा की मुरली है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने इस पर एंड किया। इस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, आशा बहन ने जो शेयर की आज सुबह सुबह भट्टी में, पांडव भवन में उन्होंने शेयर की, क्लास हिंदी में थी वो, इंग्लिश क्लास को भी शायद अच्छा लगेगा, पता नहीं मुझे उस चीज़ पे विश्वास है कि नहीं, सहमत हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी एक भाई था, एक भाई ने जैसे लंच के लिए कुछ लोगों को इनवाइट किया, वो आए, उन्होंने नोटिस किया कि खाना तो है नहीं, कोई खाना बन भी नहीं रहा है किचन में, आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने पूछा कि भाई खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है, भगवान देगा भगवान देगा हमें। और फिर और पास
समय बीतता गया। देखिए अरे क्या हम बाहर से खरीद के लेके आए या बनाएं या क्या करें, नहीं नहीं भगवान देगा भगवान देगा। और धीरे धीरे हुआ क्या, भगवान ऊपर जो बैठा हुआ सोच रहा था, अच्छा सो अच्छा तो इसमें तो बहुत सारे विश्वास है, अगर मैं नीचे नहीं गया तो फिर तो नहीं होगा इनको, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा नीचे। तो भगवान जो है सच में तो किसी को प्रेरित किया और कोई सब्जी लेके आया कुछ भी, इसे प्रेरणा दी भगवान ने और कहा तो कहा कि भगवान को शुक्रिया करो ऐसे से, तो कहा नहीं नहीं ऐसे। तो जयंती बहन में कुछ लोग हैं संसार भगवान के ऊपर जो आपने कहा ना कि हम अपनी जिम्मेवारियां निभाएं लेकिन हम चिंता नहीं करें, लेकिन मुझे कभी कभी लगते हमें कुछ शुरुआत भी करनी पड़ती है, हम एक्शन भी करना पड़ता है, कर्म में भी आना पड़ता है। हाँ मुझे पता है मुझे पुरुषार्थ करना है, लेकिन इसके ऊपर कुछ टिप्स तो दीदी किस तरह से डिटैच रहें दीदी, इस बारे में कुछ बताओ। जैसे मैंने कहा मैंने लंच के लिए मान लो किसी को बुलाया और मैं चिंता कर रही हूँ, चिंता कैसे करूँ, मुझे करना है मुझे करना है, लेकिन फिर और फिर रिजल्ट क्या होगा उस एंग्जाइटी और चिंता का कि मैं अपना समय सही तरह से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ना मैंने शॉपिंग किया है, ना मेरे पास कोई मदद करने के लिए। सब कुछ ठीक हो गया होता अगर मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया होता और हर एक का जैसे मेहनत ली हो की होती, सबसे मदद की होती सबने, सब होता, लेकिन वो अटेंशन देना चाहिए था मुझे। अगर मेरे को भगवान करेगा भगवान करेगा कुछ भी नहीं होगा फिर तो। और भक्ति में ओके भगवान ने कहा चलो मैंने किसी को भेज देता हूँ, लेकिन ज्ञान पे ऐसा नहीं, ज्ञान पे तो मेरा संकल्प है, मैंने लोगों को बुलाया तो फिर तो मुझे वो पुरुषार्थ तो देना करना पड़ेगा कि जो शुरुआत में चाहिए सेट कर दें हम अपने, हमें कुकिंग करनी है, अगर मुझे नहीं कुकिंग करनी कोई और तो करे, मेरे गेस्ट के आने से पहले मैं अपना भोग लगा दूं, लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो फिर आपका समय और एनर्जी ऊर्जा व्यर्थ करेगी ना, तो शॉपिंग चिंता से तो ना शॉपिंग होगी ना कुछ होगा, आपकी तो शक्ति ख़त्म हो रही है ना। और कुछ लोग हैं वो कहेंगे कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, हम बस चाय बनाएंगे बिस्किट्स रख देंगे, सब पैकेट से होंगे, लेकिन चिंता है लोग आ रहे हैं लोग आ रहे हैं लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है इसमें कि हाँ ज़रूर प्लीज़ आओ मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है, सब कुछ तैयार हो जाएगा और फिर मैं ताकि फ्री रहूँ बाबा है मेरे साथ, बस बाबा मेरे चेहरे से मेरे नेत्रों से चमके जैसे। लेकिन अंत में जैसे मैंने कुछ तैयारी नहीं किया तो फिर डिस्टर्ब रहेंगे ना, लेकिन बाबा आप मेरे साथ रहो, लेकिन क्या होगा तैयारी नहीं किया तो मेरा चेहरा तो चमकेगा नहीं, दुखी रहेगा ना, बहुत चिंता होगी, अरे कुछ जलना गया हो, कुछ तैयारी नहीं की ना पहले, तो लास्ट में तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मेरा एक विचार है, सही विचार है, सही समय पर सही सहयोग मेरे पास आ जाएगा, और अगर मेरा इरादा सही है, इरादा भी पीछे का अच्छा होना चाहिए, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। और गेस्ट के आने से पहले आप तैयार रहो, बस प्यार की बाबा प्यार से बाबा की याद में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक होगा। एक अरब वर्ल्ड में कहानी है दीदी, कहावत है, आपको अपना जो ऊँट को पहले बांध के रखना होगा, उसके बाद ही भाई देखो भगवान भी मदद करेगा। कि बस प्यार से अपनी शांति में रहो, और यही है ना दीदी आप यही कहने की कोशिश करो, भगवान पे ट्रस्ट करो और ये सब है। कि ऐसे नहीं कि अरे उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं,
वो सब करने की ज़रूरत नहीं अपने को, मुझे सिर्फ बाबा के प्यार में शांति से बनाना है, बाबा को भोग लगाना है, बेशक बेशक सिंपल खाना हो। तो प्यार से बनाओगे ना तो मनी पैसे से जो नहीं आ सकता वो स्वाद होगा आपके खाने का, तो सब एंजॉय करेंगे। और वो पूछेंगे आपसे भी क्या डाला आपने, ऐसा क्या सीक्रेट डाला भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपका खाना, पूछेंगे वो आपसे। एक डिस्कशन थी दीदी, एक क्वेश्चन था दीदी मोहब्बत के ऊपर, मोहब्बत और मेहनत। हम मेहनत तो नहीं करनी हमें, लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन बाबा के लिए बहुत बेहद प्रेम है सभी का, हम सभी से पूछ, सब कहेंगे हाँ बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन हमारा संस्कार है, मतलब जो जब कुछ कर रहे होते हैं वो हमें और पावर कर देता है। इस कि सिर्फ ना जैसे करना करना कैसे, लेकिन हाँ कि हाउ टू बी जस्ट बी, जैसे कि सिर्फ किसी जस्ट उस अवस्था में स्थित हो जाएं। तो एक दूसरी कहानी दीदी सुना रही हैं, दीदी आप सबने सुनी होगी, मैंने ब्रह्मा बाबा से कहा कि लेक्चर दो, तो इंचार्ज का जो 1968 की बात है, मैं सेंटर पे सिर्फ दो हफ्ते से ही रह रही थी, बाबा का लेटर आया आपको एक लेक्चर देना है। मैंने कहा ओके बाबा। महेंद्र भाई जो इंचार्ज उस सेंटर के, उन्होंने मुझे कहा आपने कभी लेक्चर दिया है पहले, मैंने कहा नहीं। उसने कहा तो आप लेक्चर कैसे दोगे, मैं बाबा को याद करूँगी और दूँगी और बाबा मदद करेंगे, तो मैं बताऊँ आपको क्या होने वाला है। महेंद्र भाई ने कहा मैंने कि बाबा को तो याद करोगे, लेकिन आपने याद तो नहीं किया, अपना मुँह खोलोगे और कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और एक ये इतना सही उन्होंने मुझे बताया, अरे सच में ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा, सच में ऐसा ही होगा कि मैं अपना मुँह खोलूँ और खा मैं डर जाऊँगी, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि तैयार करो, पहली प्रिपरेशन तैयार की, तो मैंने पहले बताया, उनका नहीं नहीं ठीक नहीं है दोबारा करो, दूसरे बात कहा अरे आप इतना तो भगवान के बारे में ना आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं है, तो ना समय के बारे में, बीके लेक्चर तो आत्मा परमात्मा समय का ज्ञान हो। तीसरी बार ट्राई किया, फिर कहा कितनी मिनट का है, 20 मिनट का, नहीं ये तो 10 मिनट का ही है, आप आधा तो भूल ही जाओगे वैसे भी। फिर चौथी बार मैंने तैयार किया, वो प्रिपरेशन और ट्रेनिंग जो है ना बहुत ब्रिलियंट थी, कि मैं काम करूं जो मुझे करना है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद फिर मैं बाबा को याद करूं, फिर बाबा की एनर्जी जो है मुझसे फ्लो होगी। और फिर तो फिर चार बार लिखने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले कुछ साल जो है वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी, तो उससे मुझे बहुत मेहनत मिली। मैं सबको बोलूँगी आप ज़रूर करो ये सब, लिख के तैयार करो। तो सिर्फ लेक्चर और कुकिंग के बारे में है, लेकिन अगर आप बड़े प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हो तो लोगों को साथ लेके आओ जिसको वो अनुभव है, आप सभी नए हैं तो फिर कैसे होगा। तो फिर बात करो, बैठ के डिस्कस करो कैसे क्या करना है, कैसे होगा, हम कैसे करने वाले हैं, कौन क्या करेगा। तो कितना तो प्यार से वो तैयारी करो, मेहनत नहीं लेकिन मोहब्बत हो। हाँ तो आपने वो तैयारी तो की प्यार से, और हर किसी को पता है उसको क्या करना है, और फिर प्यार से कर रहा है बाबा के प्यार में, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और ये बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत सिंपल, लेकिन वाइब्रेशन सही रहेंगी, बाबा की उपस्थिति महसूस होगी, तो किसी भी परिस्थिति में कोई चिंता नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, लेकिन तैयारी तो होनी चाहिए ताकि सही चीज़ें हो जाएं। यस सिस्टर जयंती, बिल्कुल से।
बहुत साल पहले दी थी। निक भाई ने मुझे पूछा, मैं निक भाई ने कहा इंटेंसिव के लिए कोई क्लास वगैरह मैं नहीं करवाती थी उस समय, तो उसने मुझे कहा टॉक आधा घंटे के लिए टॉक करो। मैंने 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया वो। मैंने कहा ओम शांति। मैंने आपके पास आई ऑफिस में, आपने कहा कैसे? मैंने कहा ठीक है दीदी, बस जल्दी ख़त्म हो गया। फिर आपने कहा आपको तैयारी करनी पड़ती है। मैं कि आपको तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि भैया ऐसे अपने आप ही हो जाएगा। अनब्रोकन लव का क्या, अटूट प्यार का क्या अंतर है दीदी? क्या मतलब है आपके आपकी नज़र में? वो संबंध बाबा के साथ, वो संबंध जो विश्वास और प्यार वो कंटिन्यूस हो, लगातार हो, ऐसा नहीं कि वो कभी बाबा में डाउट हो जाए, कभी संशय आ जाए क्या मैं कर रही हूँ ये, सच में अपना समय तो व्यर्थ नहीं कर रही यहाँ पे मैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। खैर अगर ये विचार आते हैं ना, बिल्कुल इसका उल्टा कि क्यों आप यहाँ पे क्यों हो, आपका क्या क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, आपको बाबा ने क्या क्या दिया, क्या महसूस होता है? आपका मन तो इधर से उधर फटाफट फ्लिप हो सकता है ना, बदल सक, बुद्धि भी प्रभाव में आ सकती है और संग से प्रभावित हो सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर होना है मैं क्यों हूँ यहाँ पे, बाबा के साथ मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और उसे बार बार में याद रखो, भूलो नहीं। योग हर रोज़ योग मुरली कितनी ज़रूरी है कि आपकी बुद्धि को बाकी के जो प्रभाव हैं उससे मुक्त होने के लिए रोज़ का योग, रोज़ की मुरली आवश्यक है। तो बाबा के प्रति जो प्यार विश्वास है वो लगातार रखो। और इसीलिए दूसरी बड़ी बात है, लोग हमें व्यर्थ करते हैं, हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, कल आज ये, कल वो, फिर कोई और, फिर क्या होगा? ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे कोई लोग हैं, बस लोग तो लोग हैं। मेरी आदत जो है ना, मेरी आदत है जो बार बार में भटकने की, दुनिया की तरफ जैसे खींचे चले जाने की, मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा बाबा मैं आपकी बनी हूँ। लेकिन उस पल जब ये भटकाव है बुद्धि में तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो बाबा याद दिलवा रहे हैं मुझे कि बस भटको नहीं, बिल्कुल क्लीन क्लियर पवित्र रहो, बाबा के प्रति लॉयल रहो, फेथफुल रहो, वही सच्चा अटूट प्यार है। लेकिन पास्ट में कुछ हो गया, जैसे मिक्सचर हो गया, शायद कुछ अल्ट्रेशन हो गया, किसी और से कुछ अटैचमेंट, लेकिन अब बाबा के प्रति जो मेरा प्यार है बिल्कुल उसको अटूट रखना है। आज दीदी आपको शायद कटिंग से हो रहा है। अगला सवाल है दीदी, दादी जानकी से डिफरेंस क्या, एक राजा और जो अमीर प्रजा में क्या अंतर है? राजा जो है वो चारों सब्जेक्ट में सबसे आगे गया है, जो अमीर प्रजा जो है सत्ययुग में सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो आगे गई है, सेवा में या फिर भाई किसी ज्ञान में है, लेकिन राजा जो है हर एक में। किसी ने आज पूछा है क्या अंतर है दीदी अमीर प्रजा और जो श्रेष्ठ जो दास है उसमें क्या अंतर है? एक हाल ही में एक मुरली चली थी, साकार मुरली, बाबा ने कहा था, बाबा ने बहुत क्लियर कहा था, बहुत स्पष्ट कहा था, बाबा ने कहा अंदर रॉयल फैमिली में जो सर्वेंट होंगे लेकिन फिर भी, लेकिन दास तो कहे जाएंगे ना, एलिवेटेड सर्वेंट, श्रेष्ठ श्रेष्ठ दास क्या होता है, लेकिन जो प्रजा है अमीर है, डोनेशन देती, लोग बहुत सारा ज्ञान, बहुत सेवा शायद, लेकिन
लेकिन वो सरेंडर नहीं है, भगवान के प्रति पूरा उनका समर्पण नहीं है। बहुत चीज़ों में वो ने अच्छा अच्छा किया है, लेकिन एक सर्वेंट के रूप में, दास के रूप में क्या होगा? आत्मा ने सरेंडर किया है खुद को, लेकिन फिर भी, लेकिन अपनी नकारात्मकता को अभी तक जीत नहीं पाए हैं इसीलिए। और कहीं ना कहीं उन श्रीमत में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, जैसे शायद पवित्रता की कमी है, योग की कमी है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है उनके पुरुषार्थ में, इसलिए वो, या कुछ गलतियां भी की हैं, उसने कुछ गलतियां भी की हैं, इसलिए बाबा ने कहा दास ही कहेंगे। थैंक यू दीदी। सेवा में कैसे जमा कर सकते हैं? कुछ हमको कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि आप, हम काम करने वाले, काम ही करवा रहे हैं उनसे, ऐसे लोग सोचते हैं तो, लेकिन जो कैसे करें सेवा में, जैसे जमा कैसे जमा करें, जमा कैसे होता है? अगर मैं अपने स्मृति में रखूं कि मैं अपना समय, अपना विचार, अपने संकल्प, अपने ऊर्जा बाबा के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, तो आपके लिए शुभ अवसर आते चले जाएंगे और कुछ ना कुछ आता ही जाएगा जो मैं कर सकती हूँ। चाहे बैठ के, मैं घर बैठ के ब्लेसिंग ही करती रहूँ। लोग कहते हैं जैसे ब्लेसिंग कार्ड बनाते रहते हैं ना बैठ के, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, या फिज़िकल वर्क करते हैं, जैसे सफाई, साफ़ सफाई। एक तरफ तो कोई मज़ा नहीं आता किसी को ज़्यादा सफाई में, लेकिन हम बाबा के लिए सफाई कर रहे हैं। और बाबा ने आज कहा आप एक वो वातावरण बना रहे हैं ना, जो बाबा के घर में आते हैं या कहीं पर भी आते हैं तो उनको उनको फील होगा, उनका अनुभव होगा कि कितना सफाई है, और आध्यात्मिकता का भी उनका अनुभव होगा, और वो भगवान के करीब आएंगे, तो आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, बाबा की दुआएं, उन आत्माओं की दुआएं आपको मिलेंगी। जैसे खाना बनाने में प्यार से बनाओ, कितना बड़ा अंतर है बस ऐसे ही फटाफट बना दो किसी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, या इस तरह से, या फिर प्यार से बनाना, कितना अंतर हो जाता है बाबा को। फिर वो भोग लगाना, सबके साथ फिर देना, सबको शेयर करना, कितनी सारी हमें दुआएं मिलती हैं। तो इसलिए कितने सारे लोग भगवान के करीब आए हैं ना टोली के द्वारा, आपने उनको खाना दिया जब वो ज़रूरत थी उनको, या उनको थकावट थी, तो कितने जो कोई बाबा के घर में आते हैं, तो कितने, अगर मेरी स्मृति सही है तो बाबा के लिए मैं कर रही हूँ तो ज़रूर दुआएं मिलेंगी। ओ बहन ने बोला है इसलिए मुझे करना है, नहीं तो शायद क्या पता मुझे पसंद ना करे ये बहन, अगर मैं ना करूँ तो फिर वो ठीक नहीं है। दादी ने एक बार बहुत अच्छी तरह कहा था कि हाँ कोई है जो कुछ काम कर रहा है बाबा के घर में, लेकिन प्यार से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा को तो उसको एक सैलरी देनी पड़ती है ना, तो सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन जो सेम काम बहुत प्यार से कर रहे हैं बाबा के लिए, उन भावना से कर रहे हैं प्यार से, बाबा को सैलरी नहीं देगा उसको बाबा, लेकिन उसको ब्लेसिंग्स देगा, खुशी देगा। तो इसीलिए जो उसका बदला, जो उनको, जो उसके जो बदले में जो उनको मिलेगा बाद में, और अभी ये इंसान कर रहा है ठीक है ओके कर रहा है, कुछ तो मिलेगा, लेकिन ये जो खुशी उनको नहीं मिलेगी और दुआएं भी नहीं। लेकिन जो दूसरा जो कर रहा है वो दुआएं, खुशी, सब कुछ उनको मिलेगी, एकदम से मिलेगा। बहुत अच्छा दीदी। चाइना में चेन बहन से मिली जब मैं, तो मुझे याद दिलवर थी 17 साल पहले जस्सू बहन ने उनके लिए एक सैंडविच बनाया था, वेडिंग जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, कि वो सैंडविच उसे बिल्कुल याद रहेगा सदा, कि 17 साल बाद भी आप याद कर रहे हैं उस चीज़ को।
एक सवाल है दीदी, उसका सवाल है सतो रजोतमो एफर्ट में क्या मंत्र पुरुषार्थ होते हैं ना, सतो पुरुषार्थ। सतो अर्थात जो बाबा की श्रीमत के अनुसार हम करें, उस स्मृति के साथ, उस लेवल के साथ करें। रजो का मतलब है जहाँ पे आलस अलबेलापन है, मिक्स है उसमें। हाँ, मुझे उठना चाहिए 4 बजे, लेकिन हमने बहुत, मुझे थकावट है बाबा, तो मुझे माफ़ कर देंगे ना, कोई बात नहीं, कल तो मैं पक्का उठूँगी। इस प्रकार के अलार्म आता है, अरे नहीं बस 15 मिनट और सो जाऊँ, थोड़ा फिर से मैं लेट हो जाऊँगी। तो वो रजो है, बस जहाँ पर आलस्य अलबेलापन है, वो क्वालिटी नहीं है, श्रीमद के अनुसार नहीं है। और तमो क्या है फिर, क्या मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ ऐसे लगेगा, लेकिन मैं असल में बस एक ड्यूटी सी पूरी कर रहे हैं। हाँ, मुझे क्लास में जाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए बाबा के घर में, बस ऐसे एक ड्यूटी सी जैसे हम पूरी करते हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, नाम नाम के लिए जो बोलते हैं ना, वो तम प्रधान है, तो उसके बदले में हमें मिलेगा भी वैसे ही ना, कोई शक्ति का अनुभव नहीं होगा, हमें कुछ खुशी का अनुभव नहीं होगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं बाबा के घर से जो मिलता है अभी हमें संगम युग पे, सॉरी, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। आप स्टार बन सकते हो भी, सब कुछ मिला है, लेकिन मैं बाबा से ले नहीं रही हूँ, बहुत सारे लीकेज हैं हमारे जीवन में, इसलिए हम ले नहीं पा रहे हैं। मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरी प्राप्तियों की कमी के कारण, ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं दे रहे हैं इसलिए मेरे पास नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को उपस्थित करवा ही नहीं रही हूँ। जो आ रहे हैं वो निकलता जा रहा है, लीकेज है, तो अंदर वो खालीपन महसूस होगा। तो इसलिए अगर मैं उस स्टेज में पहुंच जाऊं जहां मैं खाली लग रहा है मुझे, तो बाबा से मैंने कुछ खास लिया नहीं, तो इसलिए का क्यों पूछो अपने आप से क्यों। और अगर मैं इसको ट्रैक कर सकूं, भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मैं सोच देख पाऊंगी क्या है। मैं तो पुरुषार्थ कर रही थी, बहुत अच्छा था, सतो था, सब कुछ अच्छा था, देखो आज क्या हो गया। कोई तमो नहीं रहता हर कोई, लेकिन सब कभी कभी सतो भी होते हैं, कभी कुछ अच्छा भी था ना पुरुषार्थ, तो बहुत प्राप्ति का अनुभव था, इसलिए तो आप हो ज्ञान में अभी तक भी, क्योंकि आपके पास सतो पुरुषार्थ था एक बार, लेकिन तमो आज पुरुषार्थ है, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ लीकेज हो गई हैं। तो बहुत केयरफुल रह के अपने चेक करो, तो मैं अंदर से फुल और संतुष्ट रहूं, और उस तमो के पुरुषार्थ में बहुत असंतुष्टता होगी, कंप्लेन होंगी, बहुत सारी शिकायतें होंगी। ऐसा नहीं कि बाबा ने नहीं दिया, ये तो मैंने ही नहीं लिया बाबा से। थैंक यू दीदी। अगला सवाल है, कोई पूछ रहा है जयंती दीदी, ब्रह्मा बाबा को तो परफेक्ट फॉर्म के लिए बता दिया कि सत के सूक्ष्म वतन में आपका फॉर्म है, तो क्या तो सिर्फ विजयी रत्नों के लिए है ये सब, या सब के लिए है? मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल क्लियर तो मैंने नहीं सुना है इस मुरली और किसी मुरली में, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है, सभी ब्राह्मणों का ही एक जो संपूर्ण स्वरूप है सूक्ष्म वतन में, इसलिए बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ये जो है इस स्तन का जो हमने ड्रेस पहनी उसको छोड़ के ऊपर जो फरिश्ता की जो ड्रेस है वो पहनो, तो बाबा को लगता है कि हमें लगता है कि हर एक के लिए एक जो संपूर्ण फरिश्ता अवस्था का रूप है ऊपर सूक्ष्म वतन में, बस मुझे क्या करना है, आत्मा को समझो, शरीर में और संस्कारों में नहीं फंसो, तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, शरीर से अलग हो जाओ, और मैं अपना प्रकाश का स्वरूप धारण करूँ।
थैंक यू दीदी. रिगार्डिंग द कर्मा क्वेश्चन, आई थिंक मेबी कर्मा क्वेश्चन जेंटलमैन्स टेकन अप दिस मेनी टाइम्स, सो मेबी यू कैन लिसन टू पास्ट वंस. कोई सवाल पूछ रहा है मेबी जेंटलमैन इन वन लाइन. दीदी अगर आप कोई पूछ रहे हैं सकाश के लिए, अगर आप बता सको दीदी सकाश सकाश कैसे देना है. दीदी बाबा को मैं अपने सामने रखूं, बाबा की जो प्रकाश है शक्तियां हैं लाइट माइट है जो जहां पहुंचने हैं वहां पहुंच जाए, बस वो इंसान वो स्थान अपने कुछ पल के लिए अपने स्मृति में रखो, बस वो रगे याद नहीं रखना, बस बाबा के प्रकाश वहां तक पहुंचे, बस बाबा से आपको जुड़ के रहना है और वो जहाँ जहाँ वो पहुँचना है वो पहुँच जाएगा अपने आप. ओके दीदी फिर से जिस कोई अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्लैंक हो जाता है, मतलब मन में कोई संकल्प ही नहीं आता है, फिर साइलेंस की बजाय ब्लैंक हो जाता है. दीदी कह रही है कि नहीं ब्लैंक नहीं करना, खाली नहीं करना मन को, तो फिर आप तो सभी संसार के वाइब्रेशंस आपको पकड़ लोगे. फिर आप हमें करना क्या है, मन को पूरे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करना है, बाबा का प्यार अनुभव करना है, ड्रिल्स अनुभव करनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है जो बाबा ने हमें दी हैं. त्रिलोक की जो ड्रिल है उसमें जाओ, ब्राह्मण फरिश्ता देवता स्वरूप उसमें उसका अनुभव करो, आप इन सब को अनुभव करो. और फिर जब आप करते हो तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर आप बाबा के साथ जुड़ जाते हो. और फिर तो बाबा का जो शिव बाबा आपको देना चाहते हैं ना वो आप अनुभव करते हो. तो मन जो है वो कभी खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है, लेकिन मन शांत है, स्टिल है, स्थिर है और बाबा की उपस्थिति का एहसास है. तो बाबा हमें बाबा की सुरक्षा का अर्थात है और कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता. इसीलिए मन को यूज़ करो एक प्राकृतिक स्वाभाविक तरीके से, ज्ञान को यूज़ करके जो बाबा ने झुकाया उसको यूज़ करके उसको चिंतन करो, कोई भी ज्ञान का जो भी है पहलू यूज़ करो जो आपको अच्छा लगता है, वो बाबा को अपने समक्ष रखो. थैंक यू जयंत दीदी, बहुत अच्छा दीदी. तो हम अगली बार से सबको बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. Rise my soul.